हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ अ स्टोरी अ वीक। मेरा नाम है अक्षय कपूर और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ गलवान की। ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में गलवान घाटी आई होगी, जहाँ अभी भारत और चाइना के बीच एक स्टैंड ऑफ चल रहा है और लड़ाई भी हो चुकी है। इस घाटी से एक गलवान नाम की नदी गुजरती है और इसलिए इसे गलवान घाटी कहा जाता है। यह नदी अक्साई चीन की एक जगह सामजुलिंग से शुरू होती है और आगे चल के लद्दाख की फेमस श्योक नदी में मिल जाती है। लद्दाखी में गलवान का अर्थ होता है चोर, यानी कि थीफ। इस नदी का नाम चोर क्यों है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये नदी का नाम चोर इसलिए रखा गया है क्योंकि इस नदी का इस्तेमाल चोर या स्मगलर करते होंगे, तो मैं बता दूं कि आप शायद गलत सोच रहे हैं। इस नदी का नाम रखा गया है गुलाम रसूल गलवान के नाम पर, जो कि एक लद्दाखी एक्सप्लोरर थे कश्मीरी डिसेंट के। अब आप सोच रहे होंगे कोई अपना नाम चोर क्यों रखेगा। एक्चुअली गुलाम रसूल गलवान के दादा एक जाबाज चोर थे जिनका नाम था कारा गलवान, जिसका कश्मीरी में अर्थ होता है काला चोर या ब्लैक रॉबर। कारा अपने समय के रॉबिन हुड थे, जो कि अमीरों से चुरा के गरीबों में बांटा करते थे। उन्होंने कश्मीर के महाराजा के बेडरूम में भी एक बार चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़े जाने पर उन्हें फांसी की सजा दे दी गई और तब से उनके परिवार में नाम जुड़ गया गलवान। अब बात करते हैं गुलाम रसूल गलवान की। इनका जन्म 1878 के करीब एक गरीब परिवार में हुआ था। गरीब परिवार में होने की वजह से 12 साल की उम्र से ही एक कश्मीरी सेठ के यहाँ ये काम करते थे। इनका काम विदेशी मुसाफिरों को कश्मीर और लद्दाख के ट्रैक पर या गाइड बनकर या सेवक बनकर उनकी सहायता करना था। इन्होंने अपनी किताब सर्वेंट्स ऑफ द साहिब्स में बताया है कि कैसे इन्होंने अनगिनत महीनों महीनों के ट्रैक किए थे, लद्दाख के, पामीर के, काश्कार के, टकला मकान के, नेगीनोर के, ऐसे इलाकों में। इन ऊंची पर्वतों की ठंड इन्हें घर जैसी लगती थी। जहां ज्यादातर लोग फ्रॉस्ट बाइट से मर जाते हैं, ये आराम से घूमा करते थे। इन्होंने कई जाने माने लोगों के साथ ट्रैक किए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है मेजर एचएच गॉडविन ऑस्टिन, जिन्होंने केटू पर्वत को नापा था, इसलिए केटू को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। दूसरे मेन अंग्रेज हैं सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड, एक ब्रिटिश स्पाई मास्टर और आर्मी ऑफिसर जिन्होंने 1904 में एंग्लो तिब्बतन ट्रीटी की थी। 6 साल के लिए वो गलवान के साथ इस एरिया में कई बार घूमे थे। आप यंग हस्बैंड की भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी तिब्बत की ट्रीटी से रिलेटेड। अब मैं आगे चलता हूँ। 1892 में गलवान एक मिशन के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स मरे के साथ पामीर माउंटेन्स के ट्रिप पे थे। जब वापस आते समय उनका कारवान बिगड़ते मौसम की वजह से भटक गया। वे सभी फंस गए थे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उस वैली से कैसे निकले, चारों तरफ पहाड़ और नीचे गहरी खाई थी। तब गलवान ने अपनी सारी जानकारी और तजुर्बे से उन सबको बचा लिया और उस भूल भुलैया से सुरक्षित निकाल दिया। गलवान ने एक ऐसा रास्ता खोज लिया था जिसका पहले किसी को नहीं पता था और उनका पूरा कारवां आसानी से बाहर निकल आया। गलवान के इस कारनामे से लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स मरे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस नए रास्ते को, जो कि एक नदी से होता हुआ जा रहा था, नाम गलवान घाटी रख दिया और नदी का नाम गलवान नाला रख दिया। यह एक अमेजिंग बात है क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ज्योग्राफिकल फीचर का नाम किसी अंग्रेज पे ना रख के किसी इंडियन के नाम पे रखा गया। इसके कई साल बाद उन्होंने अमेरिकन एडवेंचरर रॉबर्ट बैरेट के साथ कई ट्रिप किए और सेंट्रल एशिया और लद्दाख गए। अब तक वे प्रमोट होके कारवां बशी बन चुके थे, यानी कि मैन इन चार्ज ऑफ द कारवां। तब बैरेट और उनकी पत्नी कैथरीन के कहने पे उन्होंने अपनी किताब सर्वेंट्स ऑफ द साहिब्स लिखनी शुरू की। 14 साल तक रसूल ने अंग्रेजी सीख सीख कर इस किताब के पन्ने कैथरीन को भेजे थे। कैथरीन ने इन पन्नों को एडिट किया और फिर फाइनली ये किताब W. Heffers and Sons of Cambridge, UK के द्वारा 1924 में पब्लिश की गई। तो ये थी कहानी गलवान की। आप आज भी ले जाके उनकी पीढ़ियों से मिल सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका होस्ट अक्षय कपूर, थैंक यू।